हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को RGPV यूनिवर्सिटी के BEEE सब्जेक्ट के यूनिट वाइज अगर वीडियोस आपको देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अपन देख लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर अपन सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा हो आपको, खुद का इंडक्टेंस, इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। अभी मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में एक कॉइल है और एक AC सप्लाई है, यानी AC सोर्स मैं इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। AC सोर्स क्यों प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि AC जो सप्लाई होती है वो वेरिएबल होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्योंकि कैसे चेंज होती है, यानी पहले करंट एंटी क्लॉक वाइज इसमें होता है, फिर क्या होता है, क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। इस तभी अगर AC सप्लाई अपन देंगे तभी अपना फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तभी EMF इंड्यूस होगा, इसीलिए मैंने इसको AC सप्लाई दे के रखी हुई है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया आपको ये AC सप्लाई है, तो मान लो करंट मेरा यहाँ से, ये मेन करंट है जो सप्लाई से निकला हुआ करंट है, ये यहाँ से सोर्स से निकला हुआ करंट है, वो इधर जाएगा और इधर के बाद इस कॉइल में आएगा, ठीक है, उसके बाद ये इधर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जो ये मेन वाला करंट है, जैसे ही इस कॉइल में जाएगा तो यहाँ पर भी इस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स आएगा तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF अगर इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट आएगा, और यही जो इंड्यूस करंट यहाँ पर इस कॉइल में आएगा वो क्या करता है, अपोज करता है मेन वाले करंट का। यानी ये जो मेन करंट है ये तो होगा ही सप्लाई वाला, ये मेन करंट है। अब इसी करंट के कारण, ठीक है, यहाँ पर एक करंट आ जाएगा जो कि इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉइल है ये अपनी, तो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, तो इंड्यूस करंट यहाँ पर आएगा, और वो ये जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस करंट को ही अपन क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। और जो ये इंड्यूस करंट होगा वो अपोज करेगा मेन करंट का। अगर मेन करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ये वाला जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी उसका उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और अगर मेन करंट अगर बढ़ेगा तो ये वाला जो करंट है वो घटेगा, यानी मतलब ये हो गया टोटल अपोज करता है इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट को ही अपन क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो ये मेन करंट है, ठीक है, जो ये वाला ये जो सोर्स से निकला था, इस सोर्स का इस करंट के कारण ही यहाँ पर करंट आया, लेकिन जो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट, वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, यानी इसको ट्रैवल होने नहीं देगा, ठीक है, यानी फ्लो होने नहीं देगा, यानी टोटल अपोजिशन प्रोवाइड करवाता है इंड्यूस करंट, ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। अब देखिए, इसका मैंने बिल्कुल एक सीक्वेंस एक बना के रखा हुआ है। देखिए, जो ये मेन करंट है, मेन करंट के कारण, ये वाला मेन करंट है, ये मेन करंट क्या, मेन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या आया, फ्लक्स आया, फ्लक्स के बाद क्या आएगा, EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस के कारण इंड्यूस करंट आएगा, और जो ये इंड्यूस करंट होता है वही होता है सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, लेंस लॉ बोल देते हैं। और लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस करंट यहाँ पर जो इंड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, यह भी बिल्कुल यानी सेम ही होता है सेल्फ इंडक्टेंस के जैसे, मगर इसमें म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब ये होता है दूसरा, ठीक है। वहाँ पर देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस में अपनी एक ही कॉइल थी, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में अपनी दो कॉइल आ जाती हैं। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए, ये सर्किट तो आप लोगों को पता होगा, ये सर्किट बिल्कुल सेम है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस के जैसे। ये देखिए, AC सप्लाई यहाँ पर लगा के रखा हूँ मैंने, और AC सप्लाई कारण देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इस कॉइल में भी क्या होगा, करंट आएगा, यानी यहाँ पर एक मेन करंट यहाँ पर फ्लो होगा, और मेन करंट के कारण ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाद फ्लक्स आएगा, फ्लक्स के बाद EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, तो इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट क्या होगा, इसको अपोज करेगा मेन वाले करंट को, जैसा कि अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था। अब फ्रेंड,
कि ये यहाँ पर जो जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स किसको लिंक करेगा, ये वाली कॉइल को। तो ये वाली कॉइल को जैसे ही लिंक करेगा तो यहाँ पर भी जो करंट है यहाँ पर भी फ्लो होने लगेगा, यानी यहाँ पर भी करंट एक प्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, यानी डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में होगा तो अपन को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी EMF इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, यानी दूसरी कॉइल के कारण, यानी ये वाली तो मेन कॉइल थी, ठीक है, अब एक और कॉइल यहाँ पर लगी है तो वो म्यूचुअल हो गया है ना। इसीलिए अपन यहाँ पर जो भी EMF इंड्यूस होगा है ना, इंड्यूस करंट जो भी आएगा वो किसके कारण आया है, इस कॉइल के कारण आया है, है ना। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देते हैं। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, बस सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल का यूज़ अपन कर रहे थे और म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल का यूज़ कर रहे थे। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस में इस वाली कॉइल के कारण, इस वाली कॉइल में करंट इंड्यूस EMF आ गया था, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, तो राइट हैंड साइड में आई बटन है, उस पर भी एक वीडियो है, तो वहां जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, देख लेना। और फ्रेंड्स एक बात मैं और आप लोगों को बता देता हूं, ये जो इसका कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, ये बिल्कुल भी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसा ही, ट्रांसफार्मर भी इसी प्रिंसिपल में काम करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ट्रांसफार्मर में अगर अपन डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ठीक है, वैसे तो ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई से काम, एसी सप्लाई में काम करता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, राइट हैंड साइड में आपको आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं BEE सब्जेक्ट के, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल आइकन दिख रहा है इस आइकन को भी प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।